कोरोना महामारी में देश भर में आम जन की मदद के लिए युवा कांग्रेस मददगार संगठन बनकर सामने आया है, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी देश भर में आम जन की मदद करने में जुटे हुए हैं। उनकी मंशा अनुसार ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने टीम का गठन कर संभागीय स्तर पर समन्वयक बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के छोटे छोटे शहर गांव तक युवा कांग्रेस मदद पहुंचा रही है। वहीं जबलपुर युवा कांग्रेस ने अब रघु तिवारी और उनकी टीम ने 2000 से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई है। युवा कांग्रेस नेता रघु तिवारी ने बताया कि कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर एक ऐप बनाया गया है, जिसमें देश के सभी जिलों में युवा कांग्रेस मदद के लिए तत्पर है। ऐप के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और तत्काल युवा कांग्रेस की टीम लोगों तक ये मदद पहुंचा रही है। एक संभागीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 10 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हर संभाग स्तर पे, और उन्हें यह आदेश दिया गया कि हर संभव प्रयास लोगों की मदद की जाएगी। इस पूरे ग्रुप को जो वाच कर रहे थे, जो देख रहे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई चंचलेश व्यास जी के द्वारा हर व्यक्ति को मॉनिटरिंग की जा रही थी। उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल किया जा रहा था, यूथ कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैंडल किया जा रहा था। जिस किसी व्यक्ति की भी क्वायरी आती थी तो उसे तुरंत संभाग स्तर पे उन्हें भेजा जाता था और उन्हें सॉल्व करवाया जाता था। जबलपुर संभाग का कोऑर्डिनेटर मुझे नियुक्त किया गया था। मेरे द्वारा लगातार एक माह से जबलपुर SOS जबलपुर की टीम गठित की गई और मेरी टीम के द्वारा लोगों को ब्लड दिलवाने के लिए मदद की गई, लोगों को प्लाज्मा के लिए मदद की गई, ब्लड के लिए मदद की गई, रेमडेसिविर की मदद की गई, लिपोसोमा इंजेक्शन के लिए मदद की गई, उनको भोजन का पैकेट पहुंचाया गया, थानों में मास्क सैनिटाइजर पहुंचाया गया। और यूथ कांग्रेस ने यह बीड़ा उठाया है और ये संकल्प लिया है विक्रांत भूरिया जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर, कि जब तक स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती है तब तक मध्य प्रदेश में यह सेवा जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर।